बचाव हो सकता है उसमें, तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, काफी सारी चर्चाएं करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सीमा सिंह। तो सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, डॉक्टर सीमा सिंह आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपको बता दें कि ये विनायक हॉस्पिटल के ओनर भी हैं, साथ ही बोधला सिकंदरा डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आज इनसे हम चर्चा करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक महिला को। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले माँ बनना एक महिला के लिए बहुत ही खास अनुभव होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, माँ बनना कुदरत का सबसे अनमोल तोहफा है जो उसने सिर्फ महिलाओं को दिया हुआ है, और ये सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी सृष्टि इसी से आगे बढ़ती है। तो ये एक हर औरत का, एक हर महिला का एक ख्वाब है, बच्चे को पैदा करना जो कि स्वस्थ हो और बेहतर तरीके से उसको पैदा करना। लेकिन इस प्रोसेस में भी कई बार अज्ञानता और जानकारी ना होने के कारण कई बार महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ता है, और कई सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से उनकी सेहत पे बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, एक लेडी है जिसकी शादी हो गई है, तो उसको ऐसे कब सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स दिखने चाहिए जिससे उसको लगे कि हाँ वो अब प्रेग्नेंट हो गई है? जी, सबसे पहला तो मिस पीरियड, अगर कोई महावारी उस टाइम पे नहीं आती है और कम से कम 5-6 दिन या हफ्ता भर वो चढ़ जाती है, तो उस समय उसको ये सोचना चाहिए कि उसको प्रेगनेंसी हो सकती है। और इसको पता करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, किट आती है जो कि केमिस्ट पे भी अवेलेबल होती है, वहाँ से आप ले सकते हैं, और उसमें जो अपना यूरिन जो है उसको डाल के, पेशाब की 2 बूंदें डाल के, और उसको तुरंत चेक किया जा सकता है रिपोर्ट को कि पॉजिटिव है या नहीं है। जी, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको देखकर हम पता? सिम्टम्स बहुत वैरी करते हैं, बहुत मैंने मरीज से मरीज में वैरी करते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि उल्टियाँ महसूस होना, जी मिचलाना, भूख ना लगना और घबराहट होना, तो ये सब जो है कुछ सिम्टम्स होते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी में हो, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स इस तरह के कंप्लेंट करते हैं। उन्हें कब ऐसा फील होना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर से चेकअप करा के इस चीज को पता लगाना चाहिए? देखिए, जैसे ही पता चलता है कि मरीज नहीं कहना चाहिए मुझे, महिला प्रेग्नेंट है या उसको प्रेगनेंसी है, तो उसको तुरंत ही एक जनरल चेकअप कराना चाहिए। अगर वो गांव में है तो आसपास के जो भी सेंटर्स हैं, PHCs या CHCs, जो भी सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाके अपना चेकअप कराए, या शहर में है तो जो उनका फैमिली डॉक्टर है या जो भी उनके गायनिक है उनको चेकअप कराना चाहिए। और एक जनरल चेकअप होता है जिसमें हम मरीज का ब्लड प्रेशर और उसकी हाइट, वेट, बाकी के पैरामीटर्स, हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है या बाकी चीज़ें हैं, उनको चेक करते हैं, यूरिन वगैरह टेस्ट किया जाता है, और उसके हिसाब से उसको कुछ बेसिक मेडिसिन होती है, क्योंकि शुरू के 3 महीने में ज़्यादा दवाइयाँ हम लोग नहीं देते हैं, सिर्फ वो चीज़ें दी जाती हैं जो बच्चे के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि शुरू के 3 महीने में बच्चा एक सिंगल सेल से बनना शुरू होता है। तो इसमें सिर्फ एक फॉलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स, ये दवाइयां हैं जो हम मरीज को देते हैं, चाहे वो PHC पे दिखाए या किसी प्राइवेट सेक्टर में दिखाए। जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जब कोई महिला आपके पास आती है इस तरह से कि उसको लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो आप किस तरीके से उसका चेकअप करते हैं फर्स्ट मंथ के लिए या सेकेंड मंथ में, किस तरीके से आप चेकअप करते हैं, यहाँ पर आपसे जानना? फर्स्ट मंथ में देखिए, जब भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहना चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स पहले 3 महीना, इसमें जब पेशेंट आता है हमारे पास तो पहले तो हम लोग उसका जनरल चेकअप करते हैं, जैसे मैंने बताया, जिसमें ब्लड प्रेशर है, वेट है, उसका हार्ट चेकअप है, लंग्स का है, जनरल एक चेकअप होता है, प्लस कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, और उसके बाद अब अल्ट्रासाउंड है तो हम अल्ट्रासाउंड भी से भी उसको कंफर्म कर सकते हैं, नहीं तो पहले पर वेजाइनल एग्जामिनेशन है, उससे भी जो है चेक किया जाता पेशेंट को। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने अल्ट्रासाउंड की बात की, तो अल्ट्रासाउंड का इस पूरे उसके अंदर क्या रोल रहता है, क्या इम्पोर्टेंस रहता है, यहाँ पर आपसे? ओके, अल्ट्रासाउंड एक बहुत इम्पोर्टेंट जरिया है चीज़ों को पता करने का, ये कि बच्चा अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बच्चे में धड़कन आई कि नहीं आई, या बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि आजकल बहुत अबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, तो उन सब चीज़ों में अल्ट्रासाउंड एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। फर्स्ट के 3 मंथ्स जो होते हैं वो एक लेडी के लिए काफी ज्यादा कह सकते हैं हम, उसको सतर्कता बरतने की जरूरत होती है ऐसा माना जाता है और लोगों द्वारा भी कहा जाता है, तो किस तरीके से उसके लिए 3 महीने जो होते हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इस सेंस में होते हैं 3 महीने, क्योंकि ये जो शुरू के 3 महीने हैं ये बच्चे के बनने की बेसिक नींव रखते हैं,
है ना, जैसे कि कोई बिल्डिंग हम स्टार्ट करते हैं उसका एक नींव होता है, उसी पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। उसी तरह से होता है कि बच्चा एक सिंगल सेल जो फर्टिलाइज होती है उससे फिर मल्टीप्लाई करके वो बहुत सारा सेल्स का स्ट्रक्चर बनता है, उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ये चीज सर बनाएगा, ये पैर बनाएगा, इससे ये चीजें बनेंगी। तो इस समय अगर जरा भी कोई चीज ऐसी होगी जो हार्मफुल होगी या नुकसान करेगी तो वो बच्चे की सारी चीजों को डिस्टर्ब कर सकती है, एबनॉर्मेलिटी ला सकती है या अबॉर्शंस वगैरह कर सकती है। तो इसमें हमें बहुत सारी बीमारियों को भी देखना पड़ता है, जैसे कि थायराइड वगैरह है या और कोई बीमारी है या ब्लड ग्रुप का है तो कोई दिक्कत है तो वो अबॉर्शंस वगैरह कर सकती है। प्लस जैसे ओवर एग्जर्शन है या कोई भी मेडिसिन जो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ली गई वो भी बच्चे को नुकसान कर सकती है। तो इसलिए शुरू के 3 मंथ्स जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है हमारा। दर्शकों आज हमारे साथ डॉक्टर सीमा सिंह हमारे स्टूडियो में हैं, जो आज हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में काफी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी जो होती है बेसिक नीव होती है बच्चा पैदा होने की। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी, आपके पास ऐसे पेशेंट्स आए होंगे तो यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फर्स्ट 3 मंथ में अगर हो जाए तो उन्हें अबॉर्शन कराना पड़ता है या फिर वो सही नहीं होती है, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला तो ये होता है कि बच्चा ठीक से बन नहीं रहा हो, जो हम अल्ट्रासाउंड से ही पता कर सकते हैं कि बच्चे के बाकी चीजें तो बन रही हैं, यूट्रस बच्चेदानी बढ़ना शुरू हुई लेकिन उसमें बच्चा नहीं बन पाता किसी कंजेनिटल प्रॉब्लम की वजह से या कोई प्रॉब्लम शुरू में आ गई है डिविजन में तो उस वजह से, या ब्लीडिंग शुरू हो जाए या कोई और इस तरह की एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उस कारण जो है फिर अबॉर्शन की प्रॉब्लम आती है। जी, लापरवाही की अगर हम बात करें तो किस किस तरह की लापरवाही है जो है महिला अपने साथ मतलब बरतती है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें उसको प्रेशर पड़े या पेट में प्रेशर पड़ता है, जिसमें जोर पड़े, उस वजह से बच्चा जो है गड़बड़ हो सकता है। दूसरा एक जो प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है, ये कहीं बुक्स में नहीं लिखा हुआ है बट ये जो है मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आजकल जो हम फल वगैरह खाते हैं है ना, होता है क्या है कि जब प्रेगनेंसी हुई तो घर में होता है कि नहीं जी भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खाया, तुम फल खा लो। तो जो पेशेंट फलों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं उनमें अबॉर्शन का रेशियो बहुत ज़्यादा मिला है। वो शायद इसलिए कि जितने भी फल हम खा रहे हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ दवाइयाँ लगा के पकाए जाते हैं या उनमें कुछ ना कुछ इस तरह का होता है जो इंसेक्टिसाइड्स भी हैं और पेस्टिसाइड्स भी, तो वो नुकसान करते हैं। तो मैं इस समय बने मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा फलों पर डिपेंडेंसी ना हो शुरू में और जो नॉर्मल डाइट है हमारे घर में हम उसको लें ताकि ये दिक्कत ना आए। प्लस जो लोग फास्ट फूड पे बहुत, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं एडवाइजेबल है शुरू के 3 महीने में क्या बाद में भी, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो इस तरह की चीजें हैं ये भी जो है ये हार्मफुल होते हैं। हाँ ये सब, हाँ बहुत ज्यादा चाय या कॉफी या जो टोबैको लेते हैं वो स्मोक करते हैं वो सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। हेल्दी फूड का, हेल्दी फूड हाँ बिल्कुल, जो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य को सही रखेगा। इसलिए आज हम चर्चा को यहाँ आगे बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ पे आपने खाने पीने की बात की तो यहाँ पे काफी हद तक देखा जाता है कि महिलाओं को खट्टा या मीठा खाने का काफी ज्यादा क्रेज रहता है, ऐसा क्यों होता है यहाँ पे आपसे? इसलिए होता है कि शुरू में जब चेंजेस होते हैं ना बॉडी में तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गड़बड़ होता है, मुंह में थोड़ा सा खट्टा खराब होना, मुंह का टेस्ट, तो उसलिए जो है जनरली पेशेंट ये प्रेफर करते हैं कि कुछ इस तरह का हो, चटपटा हो या खट्टा हो तो वो उसको लाइक करते हैं। तो दर्शकों आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए। अभी भी उन्होंने हमें बताया कि जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड या किसी भी तरह का कोई अल्कोहल या किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए हानिकारक होगा। यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे जाना चाहेंगे, अभी हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की, सेकंड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो उसमें इसमें एक चीज और रहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ऐड करना चाहूंगी जो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है पेशेंट्स की, चक्कर आना या जी मिचलाना या उल्टियां होना है ना, तो इसके लिए वैसे तो दवाई अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि मरीज को वो चीज़ दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा अपनी जो खाने की आदत है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके उसको सुधार सकते हैं। हम खाना बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती, थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़े थोड़े अंतराल पर खाएँ और हेल्दी फूड खाएँ और ऐसा लें जो कि हमारा फीलिंग हो ताकि हमारे जो अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं या एसिड ज्यादा बन रहा है उन सब चीजों को वो रोके और ये नौजिया वॉमिटिंग या उल्टी जी में चलाना इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। बिल्कुल, यहाँ पे आप सेकंड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो किस किस तरह की परेशानियां या जो प्राकृतिक कह सकते हैं हम किस किस तरह की चीज सिम्टम्स देखने को मिलते हैं?
देखिए सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब यह है कि बच्चा अंदर पेट में पूरी तरह से बन चुका है, बनने का मतलब है कि उसके सारे जो अंग हैं वो फॉर्म हो चुके हैं। अब इसके बाद वो अपना शेप में बढ़ना शुरू होता है, साइज में बढ़ना शुरू होता है। जब साइज में कोई चीज़ बढ़ती है तो उसके लिए उसकी ज़रूरतें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। उसको प्रोटीन चाहिए होता ताकि बॉडी बिल्डिंग हो सके, ग्रोथ कर सके, आयरन चाहिए होता खून बनाने के लिए, कैल्शियम चाहिए होता, और ये सब चीज़ें वो माँ के शरीर से खींचता है। तो इस कमी ना आए माँ में, तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम माँ को सप्लीमेंट करें, चाहे दवाइयों के जरिए और अच्छे डाइट के जरिए। तो ये थोड़ा सा हमको इसमें डाइट पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। सेकंड में प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं के साथ? सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो तो खून की कमी है, क्योंकि हम लोग जो अब खाना खाते हैं उसमें उतना आयरन हम सप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से खून की जो ज़रूरत होती है या खून बनने की जो प्रक्रिया होती है वो स्लो होती है। बेबी तो खींच रहा है लेकिन माँ को अगर हम पूरा नहीं देते हैं तो नेचुरली माँ में कमी आती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। जी, यहाँ पर आप जानना चाहेंगे जब एक महिला आपके पास आई सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए, किस तरह के चेकअप करते हैं आप उनके साथ? सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे पहले होता है एक एंटीनेटल चेकअप, जिसमें बच्चे का साइज क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, और ब्लड प्रेशर है, बाकी जो जनरल बॉडी चेकअप्स हैं वो सारे होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड करते हैं हम लोग। अल्ट्रासाउंड में क्योंकि 3 महीना पूरा हो चुका है, बच्चा पूरा बन चुका है, अगर उसमें कोई दिक्कत होगी, जैसे आजकल बहुत कॉमन है बच्चे के सर का ना बनना, या रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत होना, या हाथ पैर पूरी तरह से ना बनना, ये सब चीज़ें हम इस लेवल पे ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो एक अल्ट्रासाउंड उस समय होता है, बाकी जनरल चेकअप जो एंटीनेटल चेकअप है जो बच्चे के लिए होता है, और ब्लड टेस्ट वगैरह जिसमें हम बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, ब्लड की कितनी मात्रा है, या वो एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं है, है ना, उसके अलावा हेपेटाइटिस भी आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है, उसका कोई डॉक्टर तो नहीं है, ये सब चीजें जो है इसमें ट्रेस आउट की जाती है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, अभी भी आपने बात की कि बच्चे का डेवलप ना होना पूरी तरह से, उसकी ग्रोथ ना होना, तो इसके क्या कारण मान सकते हैं हम लोग? इसके कारण तो सीधा सा है, अगर डाइट प्रॉपर नहीं है, पहली चीज़ तो डाइट, अगर डाइट प्रॉपर नहीं है तो नेचुरली बच्चे में वो सारी चीज़ें आएंगी। दूसरा चीज़ होता है कि कोई कंजेनाइटल एनोमली है ना, सपोज कि हमने शुरू में कोई दवाई इस तरह की ली, या वैसे ही बच्चे के बनने के जो शुरुआती स्टेज में कोई कमी आ गई, या उसके क्रोमोसोम्स में, माँ बाप के क्रोमोसोम्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज आती हैं। जी, तो दर्शकों आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सीमा सिंह, जिनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में, कि प्रेगनेंसी में किस तरह की स्टेजेस होती है। 3 तरह की स्टेजेस होती हैं, अभी भी इन्होंने बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड। किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं के साथ, और खासकर खाने पर कितना उन्हें ध्यान रखना है, ताकि क्योंकि वो खाना जो है वो जो खाएंगे वो उनके और उनके बच्चे दोनों के लिए ही सेहत वाला होना चाहिए।